नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल पे आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज मैं आपको डेक्सोरेंज सिरप के बारे में बता रहा हूँ। डेक्सोरेंज सिरप का उपयोग आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया, खून की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है। यह दवा तीन दवाओं से मिलकर बनी है। डेक्सोरेंज सिरप 200 ml की वॉल्यूम में उपलब्ध है। आइए इस ड्रग्स के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं कि यह कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे काम करती है और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आइए जानते हैं कि इस दवा का इस्तेमाल और किन किन समस्याओं के इलाज में किया जा सकता है। आयरन की कमी के कारण होने वाले एनीमिया में त्वचा संक्रमण, विटामिन B12 की कमी, सामान्य कमजोरी। एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए यह गर्भवती महिलाओं को दिया जा सकता है गर्भावस्था के बाद या गर्भावस्था के दौरान 22 बवासीर में। डेक्सोरेंज सिरप में इस्तेमाल होने वाली सामग्री फोलिक एसिड B9, फेरिक अमोनियम सिट्रेट, साइनोकोबैलियम। डेक्सोरेंज सिरप कैसे काम करती है? यह दवा तीन दवाओं से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से फोलिक एसिड स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है, जिससे यह दवा एनीमिया को दूर कर शरीर को ऊर्जावान और स्वस्थ बनाती है। डेक्सोरेंज सिरप के साइड इफेक्ट और नुकसान। डेक्सोरेंज सिरप का इस्तेमाल करने से आपको कई सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये साइड इफेक्ट आपको हमेशा महसूस नहीं होंगे। जब भी आपको नीचे बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि काला मल, कब्ज, दस्त, गैस, पेट फूलना, खट्टी डकार, मितली, खुजली इत्यादि। डेक्सोरेंज सिरप के इस्तेमाल में सावधानियां। अगर आप किडनी की बीमारी से पीड़ित है तो इस बारे में अपने डॉक्टर से अवश्य सलाह लें। यदि आप अति संवेदनशीलता से पीड़ित है तो इस दवा का सेवन ना करें। यदि आप लीवर की बीमारी से पीड़ित है तो इस दवा का प्रयोग ना करें। अगर आपको इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो इसका इस्तेमाल ना करें या फिर डॉक्टर से सलाह लें। स्तनपान के दौरान इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। प्रेगनेंसी के दौरान इसका इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। अगर आप पहले से ही विटामिन ले रहे हैं तो इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस ड्रग्स को अल्कोहल के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये बोतल कांच की पैकिंग में आती है, कांच की बोतल में आती है। इसकी MRP 109 rupees की होती है। तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करें एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर कर लें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।